ब्रिटेन अपने राजा की ताजपोशी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ये मौका 70 साल बाद आया है, यानी 70 साल किंग चार्ल्स द थर्ड ने इंतज़ार किया और ये सबसे लंबा इंतज़ार है किसी भी मॉनार्क के लिए, और साथ ही इस वजह से वो बनते हैं सबसे उम्र दराज मॉनार्क ब्रिटेन के इतिहास में। और भी कई ऐतिहासिक लम्हे रचे जा रहे हैं इस कॉरोनेशन के दौरान, जिसमें कि पहली दफ़ा जो बाकी देश के फेथ हैं, यानी सिख, हिंदू, मुस्लिम, जूज, इनको भी शिरकत मिलेगी, क्योंकि कॉरोनेशन एक तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं किंग चार्ल्स द थर्ड बिना कॉरोनेशन के भी। लेकिन कॉरोनेशन एक तरह से पूजा मानी जा सकती है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जिसमें कि अब इन सभी फेथ की भी शिरकत होगी, बाकी रिलीजन्स की भी शिरकत होगी, जो अंत में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक छोटा सा पीस पढ़ेंगे होमेज के तौर पर किंग चार्ल्स द थर्ड के लिए। क्योंकि किंग चार्ल्स चाहते थे कि जिस तरह से सोसाइटी और समाज ब्रिटेन में बदल रहा है, वो उसको पूरी तरह से उसके रिप्रेजेंटेटिव हो और उन्हें शामिल करें, कि इंक्लूसिव सोसाइटी जिसे कहा जाता है, वो उसके प्रतिनिधि वो हों। तो एक तो ये ऐतिहासिक बदलाव है, दूसरा ये कि क्वीन कॉन्सॉर्ट ट्रेडिशनली वो ताज पहनती हैं जिसमें कोहिनूर है, लेकिन कोहिनूर को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं और भारत ने कोहिनूर की मांग भी की है। यहाँ पे भी भारतीयों ने कई बार आवाज़ उठाई है कोहिनूर को, और इसके साथ साथ और भी कई देश हैं जिन्होंने कोहिनूर को वापस करने की आवाज़ उठाई। तो एक तरह से कोहिनूर प्रतिनिधि बन जाता है या सिंबल है ब्रिटिश राज का कहे, और इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए शायद रॉयल फैमिली ने डिसाइड किया, ये तय किया कि अब की बार जो ताज पोशी होगी क्वीन कॉन्सॉर्ट की, वो कोहिनूर वाले ताज से नहीं होगी। बहरहाल बकिंगम पैलेस से काफिला चलेगा क्वीन कॉन्सॉर्ट और किंग चार्ल्स द थर्ड का वेस्टमिंस्टर एबी में, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का चर्च है, और यहाँ पे होली ऑयल से पहले उनको अनॉइंट किया जाता है, ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनके सर पर रखा जाएगा सेंट एडवर्ड्स का ताज, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार कोई भी राजा या मॉनार्क पहनता है। यही वो ताज है जो उनकी मां ने भी 1953 में पहना था, लेकिन उस वक्त 8,000 लोग थे और इस वक्त इसको देखने के लिए सिर्फ 2,200 लोग होंगे। फिर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि 250 मिलियन जो टैक्स पेस का पैसा खर्च हुआ है, वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर दूसरा ये भी आर्ग्यूमेंट है कि इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी और साथ ही एक तरह से माहौल बदल जाता है। अब देखें, इस तरह के कार्यक्रम जिस तरह होते हैं यहाँ पे, इससे कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है, और आपको दिखाएं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो जब ये 2 घंटे की ताजपोशी के बाद फिर यहाँ किंग और क्वीन वापस वेस्टमिंस्टर एबी से बकिंगम पैलेस जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो ताज उन्होंने पहना होगा वो सेंट एडवर्ड्स ताज नहीं होगा, बल्कि इम्पीरियल स्ट्रेट क्राउन होगा। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक का रास्ता करीब 2.23 किलोमीटर है, और जो ताज सेंट एडवर्ड ताज जो पहना जाएगा वो भी करीब 2.23 यानी 2.25 के करीब है। तो एक अजीब सा कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। बहरहाल इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद और अपने किंग या अपने राजा की ताजपोशी के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार, इस ऐतिहासिक लम्हे का लुत्फ उठाने के लिए तैयार। लवीना टांडन, आज तक वेस्टमिंस्टर, लंदन।